आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे अरबी के पत्ते के पकौड़े। रखा था और अच्छे पानी से वॉश करके हमने इसको पीस लिया मिक्सर ग्राइंडर में। तो ये अभी पिसा नहीं था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला। तो ये देखिए अच्छे से पिस चुका है। तो हम इसमें बर्तन में निकाल देते हैं दाल को। तो ये पकौड़ी ना बहुत ही अच्छी बनने वाली है। अब हम पीसेंगे। इसके लिए थोड़ा सा मसाला तो हमने ले लिया है, मिर्च लहसुन अदरक, और हम ये पेस्ट इसी में डाल देंगे दाल में। और हमने ये ले लिया अरबी के पत्ते, चार पांच पत्ते ले लिए हमने। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो हम इसकी कटिंग करेंगे। अब तो हमने एक साथ सारे पत्ते ले लिए हैं। हम इसको कैंची या चाकू के साथ इसे काट सकते हैं, जिससे आपका मन करे इसे काट सकते हैं। तो हम इसको ऐसे पतला पतला एकदम कट करना है ताकि हमारे जो पकौड़े बने ना एकदम क्रिस्पी बने, खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। क्या हमेशा रहता है ना अरबी के पत्ते का वो बेसन में लपेट के बनाते हैं सब लोग, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, भाप में पकाने पड़ते हैं। लेकिन ये मैंने इजी ट्रिक आप सभी को बताया है, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। तो मैंने इसमें ले लिया है हल्दी, जीरा ले लिया है, अजवाइन भी ले लिया है, और ये गरम मसाला है। और हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे। हम इसको दाल पर मिक्स कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट और भी लाजवाब हो जाए। तो आप लोग मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को ढेर सारा ध्यान दीजिएगा। तो हमने इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया। हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर, हमने गैस भी जला दी है, और हमने इसमें डाल दिया सरसों का तेल। हम इसको देख लेते हैं, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई, गर्म हो चुकी है। देखिए हमने गर्मा गर्म पकौड़े बनने के लिए डाल दिए हैं। तो आप नमक की सहायता से भी कर सकते हैं और अपने हाथ से भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिए इसमें। अब हम इसको धीरे धीरे पलटा देंगे सारे पकौड़े, क्योंकि एक साइड से पक चुके हैं। अब देख रहे हैं सभी लोग ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो जिसको जिसको खाना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी आप बनाना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, बनाइएगा ज़रूर। तो हमने फिर से कढ़ाई पर डाला है पकौड़ा। हमने यहाँ पर ले लिया है टोमेटो सॉस, चिली सॉस, और हमने प्लेट पर रख दिया गर्म गर्म पकौड़ा, और हमारी चाय बनकर रेडी हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पकौड़ा मेरा बनकर रेडी हो गया है। तो खा लीजिए, बहुत ही अच्छा बना है। तो आप इसे लंच में भी ले जा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, बहुत अच्छा बना, क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए।